वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर, तो मैं टीवी 84 दे सारे दर्शकों का स्वागत करती हाँ प्रोग्राम सचो सच विच। रोज़ाना की तरह तुहाडे ते साडे डॉक्टर अमरजीत सिंह आए हुए ने, आओ उन्होंने मिल के प्रोग्राम शुरू करिए ते नाले उन्हां कोल पुछिए ते ओह साडे विचों एक वीले कित्थे एबसेंट रहे ते उसका की कारण सी। डॉक्टर साहब वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब, सानू दसो, साडे दर्शकों दसो कि तुसीं एक वीक कित्थे रहे, उसका की कारण सी। सच्चाई ये है कि मेरा भी गैर हाज़र होने तो नहीं जी करता, क्योंकि जिमें लगातारता नाल साडे दर्शक साडे तक पहुँच करते हैं ईमेल्स राही फोनस राही, वो इंटलैक्चुअली स्टिमुलेटिंग भी होंगे, दिमागी तौर पर चुस्त भी रखता है और सानू ज्ञान भी दिंदा है जी। पर जिमें उस तो पहला एक बार मैं दस्या सी कि साडे बड़े अजीज़ दोस्त जिन्हां नाल साडा पिछले लगभग 20 साल का संबंध सी, कश्मीरी मित्र मिस्टर ए शेख जी, जिहड़े कि पिछे बीमार सन, उन्हां दी सर्जरी हुई, फिर उस दीआं कॉम्प्लीकेशनस हुंदीआं गईआं जी, और अनफॉर्चुनेटली वो पिछले 20 अप्रैल नूं चढ़ाई कर गए। सो उन्हां नाल जिस किस्म दा साडा संबंध सी 20 साल, जिवें उन्हां ने साडा साथ सहयोग दित्ता है, वाशिंगटन डीसी दीआं सिख संगतां ही नहीं अमरीका भर च और दूर दुराडे जिहड़े सिख एक्टिविस्ट नूं जाणदे ने जी कि उन्हां दी किन्नी फर्म कन्विक्शन सी खालिस्तान दे लई, किवें वो कश्मीरियां और सिखां दे कॉज दोनां नूं किवें वो समझदे सी कि साडा दुश्मन इक है और किवें सानूं आपस च रल के काम करना चाहीदा जी। और बेशक उन्हां दी 82 साल की उम्र सी, पर वो पूरे फिट सन हर पक्षों, 17-17, 18-18 घंटे उन्होंने काम करना जी। और पहली बार उन्हां नाल मेरी मुलाकात 1992 दे विच शिकागो च हुई। मैं 1992 शिकागो दे गुरुद्वारा साहब पैलेटाइन जी जदों एड्रेस किया तो दीवान दो दी समाप्ति तो बाद लंगर हॉल चो आ के मिले, मेरा हाथ फड़ के उन्होंने तारीफ की लैक्चर की भी जी। और उदों मैं कैलिफोर्निया बेस सी, उत्थों असी खालिस्तान अफेयर सेंटर रन करते सी, उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन कश्मीर एसोसीएशन बनाई हुई सी जी। सो असी फोन दे उत्ते राबता रखिया और 1994 जदों मैं वाशिंगटन डीसी मूव करन दा फैसला किया, सो उन्होंने भी शिकागो चों अपना सारा कारोबार समेट के ते नाल जिहड़ा सांझी लॉबी करन दे लई ओह वाशिंगटन आए जी। सो जाहिर है भी साडी उन्हां प्रति जिम्मेवारी भी सी, इखलाकी और एक जज्बाती और कौमी बॉन्ड भी सी जी। सो उन्हां दे चढ़ाई करन तो बाद जिहड़ा उन्हां दे नाल संबंधित जिन्ने अंतम रस्मों रिवाज ने, क्योंकि वह अमृतसर दे जमपल मुसलमान सन जी और उन्हां दा दफन करन दा ही जिहड़ा धार्मिक अकीदा है जी, पर इहदे नाल क्योंकि सिख संगतां उन्हां दे नाल बहुत प्यार मुहब्बत करदियां सी, उहनूं सिख तरीके दे नाल वी उन्हां दी जिंदगी नूं सैलीब्रेट करना चाहुंदियां सी जी। सो जाहिर है कि कुछ दिन उन्हां दे उस सारे अंतम जिहड़ी है कर्म दे नाल जुड़े हुए गुजरे। शुक्रवार अखंड पाठ साहिब रख्या गया उत्थों दे गुरुद्वारा सिख सेंटर ऑफ वर्जीनिया दे विच, ऐतवार भोग पिया और उन्हां दी, और ये भी एक सज्जन जिहड़े कि बाद लंगर छक रहे सी मेरे नाल, उन्होंने मैनूं कहा कि जी ये भी एक बड़ी यूनीक हिस्टरी की गल होएगी जी कि एक मुसलमान वीर दी हुई बरियल है, उन्हां दा नूं दफनाया गया जी, पर सारे जिहड़े बाकी पार्ट ने वह सिख धर्म नाल जुड़े हुए ने, ज्यों ज्यों उन्हां दा अकीदा सी दोनों धर्मां दी सांझ दा जी। और फिर उन्हां दी याद दे विच बरियल तो बाद शाम नूं जदों अखंड पाठ साहिब दे भोग पए, लगभग 3 घंटे समागम चलिया जी, जिस विच अमरीका कैनेडा तो आए अलग अलग सिख नुमाइंदे, अलग अलग सिख जथेबंदियां दे, अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यूनाइटेड सिख्स, कला माजू गुरुद्वारा कमेटी, सिख यूथ ऑफ अमेरिका और होर भी रागी जत्थे भी अलग अलग, उन्हां दे विच हरमिंदर साहब दे हजूरी रागी भाई बलदेव सिंह वडाला, सारे जत्थे जिहड़े ने 4-5 जत्थिआं ने कीर्तन कीता। सो कुल मिला के एक गल दी खुशी भी है कि कई बार जिहड़े काम करन वाले लोग ने उन्हां बारे सानूं इह ध्यान हुंदा है भी शायद साडी कौम नोटिस नहीं लैंदी, जां जिवें अक्सर कहा जांदा है कि असीं अपने विद्वानां नूं स्कॉलरां नूं रोल दिंदे जी, पर जिन्ना प्यार दा इजहार शेख साहब प्रति सिख संगत ने किया अक्रॉस अमेरिका और अक्रॉस रादर सारे पासे जी, सो एक रीज़न सी। सो कल उन्हां दे वो सारे तो फारग होने तो बाद अज
मैं दर्शकों के फिर रूबरू हाँ सो मैं खिमा भी चाहता है क्योंकि मिस मैं भी कर दें दर्शकों जी पर इस किस्म का बॉन्ड सी जिदे मेरा वाशिंगटन च होना उन्होंने सारिया जड़िया लास्ट राइट्स ने उन्होंने स्पीयर हेड करना जरूरी सी इसलिए मेरी गैर हाजिरी रही जी डॉक्टर साहब धन्यवाद तुसी साडे दर्शकों नूं दस्या कि तुसी क्यों एब्सेंट रहे तो हुण असीं अपने अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं अज जी हाँ जी अज डॉक्टर साहब अज 29 अप्रैल 2013 विसाख 17 संमत नानकशाही 545 का दिन है जी। अज खालिस्तान ऐलान दिवस की 27वीं वरेगंढ है अज तो ठीक 27 साल पहला 5 मैंबरी की पंथक कमेटी ने श्री अकाल तख्त साहिब तो खालिस्तान ऐलान किया सी अज का साडा प्रोग्राम मुख्य तौर पर इस दिन नूं समर्पित होगा जी। हाँ डॉक्टर साहब तुसीं सानूं दसो कि अज के जो ऐलान दिवस है उसकी साडे सानूं साडे दर्शकों नूं दसो कि इसकी की अहमियत है ऐलान दिवस की। देखो अमरीका दे विच वो दिन नहीं मनाया जाता जिदन अमरीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनया जा उन्हां दी वड्डी जिहड़ी है पार्लीमेंट जा उन्हां दी कांग्रेस होंद चाही जी। अमरीका दे विच नैशनल डे 4 जुलाई है और 4 जुलाई की अहमियत यह है कि 4 जुलाई 1776 13 अमरीका दियां अड अड कॉलोनीज़ ने बस्तियां ने जा उन्हां दे नुमाइंदियां ने जी फिलाडेल्फिया पेंसिलवेनिया दे विच जिहड़ा इकट्ठे हो के ते उन्होंने ऐलान किया सी डेक्लरेशन दिती जिसनू टॉमस जैफरसन ने लिखा जिदे च उन्होंने कहा कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल सब रब ने बराबर बनाए ने और असी ये जिहड़ा ब्रिटिश बस्तीवाद है कलोनियल ब्रिटिशर्स ने इन्हों का जूड़ा ला के सुट रहे हैं और असी अपने आप नू आज़ाद ऐलान दें हूँ ये जिहड़ा ऐलान दिवस सी 4 जुलाई 1776 का उन्होंने उस तो बाद लड़ाई हुई किन्ने साल जिहड़ा 4-5 साल लड़दे रहे कदे उन्हों का हाथ उत्ते कदे उन्हों का हाथ उत्ते और फाइनली जित हुई अमरीकन रेवोल्यूशनरीज़ की फिर 14-15 साल बाद संविधान बनया किसी नूं याद नहीं है संविधान की डेट है पर यह जिहड़ी विल सी उन्हां नुमाइंदियां दी कि भई असी हुण गुलामी नहीं कबूलनी जी यही दिन सैलीब्रेट हुंदा 4 जुलाई का सो मैं इसलिए इस कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि ठीक इस तरह बेशक अज सिखां दा भी एक हिस्सा है जिसका 29 अप्रैल दे ऐलाननामे नाल शायद कोई उन्होंने लगे भी साडा की लागा दे गया बहुतियां नूं शायद पता भी ना होए जी लेकिन इहदे बावजूद ये दिन बहुत सारियां थावां ते जिहड़े लोग संघर्ष दे नाल जुड़े हुए ने जिन्हां नूं इस दिन की अहमियत का एहसास है जी उह सैलीब्रेट कर रहे ने अमरीका दे विच वी दो वड्डे समागम एक अज न्यूयॉर्क च हो रहा है एक फ्रीमोंट च हो रहा है कुछ थावां दे उत्ते जिवें मॉन्ट्रियाल कैनेडा दे विच कल उन्होंने 28 अप्रैल नूं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे दे उत्ते रखी सी जिहदे च अलग अलग जथेबंदियां दे नुमाइंदे जिहड़े ने उन्होंने इनवाइट किया सी मैं भी इनवाइटिड सी उस फंक्शन च जी पर अनफॉर्चुनेटली जो मैं कारण दस्या है उहदे करके मैं जा भी नहीं सकिया जी और उन्होंने चाहना सी कि मैं टैलीफोन दे उत्ते 10-15 मिनट कौम नूं संबोधित होवां वह भी मैं नहीं कर सकिया पर मैं ये दस रहा कि इस तरह पंजाब विच भी अलग अलग थावां ते और खास तौर ते दल खालसा उत्थे हमेशा ही इस दिन नूं बड़ी अहमियत दे नाल सैलीब्रेट करदे जी। इस दौरान मैं कोई मीडिया नूं लगातारता नाल फॉलो नहीं कर सकिया इसलिए मैनूं नहीं पता भी उत्थे समागम कित्थे कित्थे हो रहे ने पर जाहिर है भी इस दिन नूं सैलीब्रेट किया जा रहा हुण अहमियत यह हुंदी है जिवें 4 जुलाई के हवाले नाल मैं कहा कि यह एक सिखां दा रिजॉल्व सी जी धर्मयुद्ध मोर्चा 1982 शुरू होया जिहदी मुख मंग आनंदपुर दा मता सी जी 3 लाख 2 लाख तो ज़्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दित्तियां जी और यह गल सन जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले जिन्होंने पंथ ने नवें मिलेनियम दे शुरू होण ते जिहड़ा है वह महान सिख का खिताब दिता है जी जां उन्हां नूं 20वीं सदी का महान सिख ऐलाने उन्होंने शब्द ने ऑन रैकर्ड कि भी असी इन्हां दे नाल रहना चाहुंदे हां बहु गिणती दे नाल जी इन्होंने देखना है कि सानू नाल रखना है कि नहीं रखना पर असी बराबर दे शहरी बन के रहना चाहते हैं जी जिस दिन हिंदुस्तान की फौज दे पैर हरिमंदर साहब की हदूद च पए खालिस्तान की नींह रखी जाएगी जी सो जाहिर है कि बेशक नींह रखण की गल तो 1984 ही शुरू हो जाती है जी पर पोलीटिकल ईडीएम दे विच जां सियासी पिड़ दे विच
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਨਸੈਪਟ ਵਜੋਂ ਵੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਨੋ ਮੋਰ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 27ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਹੈ, ਅੱਜ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੇ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।